ऑनलाइन आपने बहुत ही सारे वीडियोस देखे होंगे हीलियम टैंक के बारे में कि हीलियम टैंक हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास कुछ कमेंट आया, लाइक शॉकिंग कमेंट आया कि सर हीलियम टैंक का यूज मत करो, आप बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ पे पूरा फैक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी लाइक हीलियम टैंक का यूज किया हुआ है, तो मैं आपको पूरा फैक्ट शेयर करता हूँ कि क्या हीलियम टैंक से एक्चुअल में हम बर्बाद हो जाएंगे या तो हीलियम टैंक से हमको बेनिफिट हो सकता है। सारा डिटेल के अंदर समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो सबसे पहले तो जो नए लोग हैं उसके लिए मैं बता दूं कि हीलियम टैंक है क्या, एक्चुअल में हीलियम टैंक क्या वर्क करता है। तो हीलियम टैंक क्या, मतलब सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज मतलब मेनली हम कर सकते हैं अमेजोन एंड वॉलमार्ट जो आता है उसका लाइक डेटा एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमको वहां पे बहुत ही सारे डेटास मिल सकते हैं कि लाइक कौन से सेलर है, कितना सेल्स कर रहा है, उसका पूरा एक्सरे हम निकाल सकते हैं, वहां पे कीवर्ड रिसर्च हम कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट का हमें लिस्टिंग बनाना है तो वहां पे हमको हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत ही सारे फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं हीलियम टैंक के थ्रू। तो अभी अपने बात करते हैं फैक्ट के बारे में कि हीलियम टैंक से हमको बेनिफिट हो सकता है या तो नुकसान हो सकता है, बर्बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं मार्केट के अंदर बहुत ही सारे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका हम यूज करके लाइक पूरा एनालिसिस कर सकते हैं अमेज़न पे, जैसे मैंने बताया हीलियम टैंक का यूज कर सकते हैं, इसी तरह और भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं भी कुछ ढूंढ रहा था, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए वो हमको लाइक ईजी कर दे, ई कॉमर्स बिजनेस हमारा थोड़ा बहुत करने का मतलब तरीका को चेंज कर दे, थोड़ा बहुत हमको ईजी कर दे। तो बहुत ही सारे सॉफ्टवेयर मैंने देखे, तो बहुत ही सारे वीडियोस मैंने देखे, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने रिकमेंडेशन किया था कि हीलियम टैंक एक सॉफ्टवेयर आता है तो सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो मैंने भी उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी उसका प्रीमियम ले लिया, लाइक एक्चुअल में थोड़ा बहुत महंगा है पर मैंने भी उसका प्रीमियम लेकर यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में मेरा एक्सपीरियंस में बताऊं तो काफी सही मेरा एक्सपीरियंस रहा है हीलियम टैंक के साथ, उसने मुझे काफी तरीकों से बेनिफिट किया है। तो वन बाय वन देखते हैं कैसे हमको बेनिफिट कर सकता है एंड शॉकिंग फैक्ट भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मुझे जो बेनिफिट किया वो है प्रोडक्ट का डिसीजन लेने के अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल आउट करना चाहिए एंड कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या यहां पे जो डिसीजन ले सकते हैं वो डेटा के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो कुछ टाइम पहले मेरे ध्यान में एक प्रोडक्ट आया था, वो डंबल्स लाइक डंबल्स बोतल आता है, जैसे हम डंबल्स आता है इसी तरह एक बोतल आती है। तो यहां पे मैं प्रैक्टिकली सर्च करके आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहां पे अपने सर्च कर लेते हैं डंबल्स बोतल, तो यहां पे हमारे सामने काफी सारे रिजल्ट्स आ गए। देखो तो यहां पे मतलब देखने में तो काफी कूल बोतल लग रहा, पर प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं भी जिम के अंदर जाता हूं पर मैंने एक भी पर्सन के पास ऐसी बोतल नहीं देखी। लाइक मे बी पॉसिबल है अपने एरिया में या फिर अपने अगल बगल कोई यूज नहीं कराओ, पर मे बी पॉसिबल है दूसरे सिटीज के अंदर या जहां पे जो अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है वहां पे इसकी डिमांड हो सकती है। तो अपन डिसीजन कैसे ले, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने तो किसी को यूज करते हुए नहीं देखा, या तो देखा होगा तो भी एक से दो पर्सन हो गए। तो अब इसका डिसीजन कैसे ले पाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ हीलियम टैंक, वो हमको काफी हेल्प कर सकता है। इसका सीधा यहाँ पे एक फंक्शन आता है, जैसे हमने लगे यहाँ पे जो ऑप्शन आता है उसका एक्सटेंशन हमने जैसे ऐड किया होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चीज आपको दिख जाएगी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं, जो पूरा पेज है इसका हम एक्सरे निकाल सकते हैं। एंड एक्सरे के अंदर क्या होगा, जो पूरा पेज है उसमें कौन से सेलर के कितने सेल्स होते हैं वो पूरा हमको यहाँ पे दिखा देगा। तो डेटा के बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं इसका एक्चुअल में डिमांड है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या कुछ टॉप के सेलर होते हैं, कुछ अच्छे सेलर होते हैं, तो यहाँ पे मतलब सारा का सारा डेटा नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट पेज पे जितने भी रिजल्ट होते हैं, जैसे कि जनरली कितना होते हैं 60 रिजल्ट होते हैं, तो वो पूरा हमको डेटा देखने को मिल जाएगा भाई कितना यहाँ पे सेल्स हो रहा। तो यहाँ पे अपने रेवेन्यू के हिसाब से इसको फिल्टर आउट कर देते हैं। एंड प्लस यहाँ पे जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है मतलब स्पॉन्सर आती है अपने, तो क्या लाइक डंबल्स बोतल सर्च किया तो दूसरी प्रोडक्ट में भी लाइक दूसरा जो सेलर होते हैं उसने लाइक एड रन करवा के रखे होते हैं तो उसको अपने रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अपने लाइक ऑर्गेनिक रिजल्ट काफी सारे, पर डंबल्स का अपने देखते हैं, देखो यहाँ पे जो अच्छा खासा सेल्स है पर कोई दूसरी प्रोडक्ट है, अपने मेन देखते हैं डंबल्स प्रोडक्ट का। देखो ये डंबल्स बोतल हो गया तो इसका कितना सेल है, 190 है। देखो ये बोटल्स नहीं है तो दूसरी कोई प्रोडक्ट है, देखो ये भी बोटल है डंबल्स बोतल है, पर इतना कितना सेल्स हो गया, 17 सेल्स है। मतलब देख पा रहा हूँ यहाँ से हमको पता चल गया भाई इतना सेल्स मतलब अच्छा खासा कोई इतना कोई ज्यादा सेल्स नहीं है, 16 सेल्स है। इसका देखो तो कितना सेल्स है, 11 सेल्स, मतलब ये पूरा महीने का डेटा है। अब एक महीने के अंदर पूरा 11 सेल्स मतलब ये अच्छा खासा डेटा नहीं गिन सकते, ये भी कौन सा डेटा देख रहे, फर्स्ट पेज का हम डेटा देख रहे। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है भाई ये प्रोडक्ट के अंदर हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए, वरना क्या आपने बहुत सारी मेहनत पानी के अंदर जाएगी, राइट? कि हमने क्या पूरा प्रोडक्ट मंगवाया होगा, लिस्टिंग किया होगा, उसके पीछे मेहनत किया होगा, पूरा प्रॉपर फोटोज डाला होगा, रिसर्च किया होगा, हमने एड रन कराया होगा, तो आप देख सकते हो कि कितना एक्सपेंस होने वाला था, हमने हमको पहले से पता चल गया भाई ये चीज नहीं करनी है। तो हीलियम टैंक ने हमकी कितनी अच्छी खासी हमारी हेल्प कर दी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आई एम श्योर कि आप में से बहुत ही सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो उसके मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ एंड ई कॉमर्स की रिगार्डिंग में बहुत ही सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। इसके अलावा देखते हैं तो हीलियम टैंक के तो बहुत ही सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे टूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो प्रोडक्ट रिसर्च हमको यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, ये तो हमको क्या मतलब डायरेक्टली आइडिया है, तो इमेज हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, या तो फिर हम पूरा प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो भी इसका यूज कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत ही सारे वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख भी सकते हो हीलियम टेक का कैसे कैसे यूज करना है, ब्लैक बॉक्स का कैसे यूज करना है, सेरेब्रो को कैसे यूज करना है, पूरा मैंने डिटेल के अंदर वीडियोज भी बनाए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं और यू की बात करूँ तो प्रोडक्ट रिसर्च हम कर सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात करें तो यहाँ पे कुछ क्लिक हो गया है, एक मिनट रुकिए, अभी वापस से अपने देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो तो अलग कीवर्ड रिसर्च अपने कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, एनालिटिक्स के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन मतलब इसका भी एक मुझे बहुत ही अच्छा एक टूल लग रहा है, वो है एलर्ट का, राइट। कि अपने को क्या अलर्ट मिल सकता है यहाँ पे, कि जैसे कोई ने मेरे मैपिंग लाइक मेरे लिस्टिंग पे किसी ने भी अगर मैपिंग किया तो तुझे मुझे तुरंत ही अलर्ट आ जाता है, इसका तुरंत ही मेल आ जाता है। कोई मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग होता है उसके अंदर चेंज करता हूँ, मैं खुद ही चेंज करता हूँ तो भी मुझे इसका अलर्ट मिल जाता है आपके इसके अंदर ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है। मुझे कोई लाइक नेगेटिव रिव्यू आता है, 1 स्टार आता है, 2 स्टार आता है, 3 स्टार रेटिंग आता है, तो भी मुझे अलर्ट मिलता है आपके प्रोडक्ट पे, देखो ये प्रोडक्ट पे आपको नेगेटिव रिव्यू मिला है। तो यहाँ से काफी सारे इंपोर्टेंट लाइक जो इंपोर्टेंट अपडेट होता है हमको क्या मैन्युअली चेक करना पड़ता है, वही हमको अलर्ट के अंदर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे उसका एक अलर्ट करके फंक्शन आता है। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूँ तो वो है यहाँ पे रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर क्या मतलब यहाँ पे बहुत ही लाइक हमको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि अमेजोन के अंदर क्या डायरेक्टली ऐसा कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं होता है जो हमको डायरेक्टली दिखा दे कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रोडक्ट से आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, या तो ये मंथ के अंदर आपको इतना प्रॉफिट हुआ। पर हीलियम 10 क्या जो अपने पास बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट होते हैं अमेजोन के अंदर, उसको पूरा ऑप्टिमाइज करके उसका पूरा डेटा का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हीलियम 10 का जो अपना अकाउंट होता है उसको हमने अपना जो सेलर अकाउंट होता है अमेजोन का उसके साथ हमने कनेक्ट किया होता है, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली सारा डेटा वहाँ से वो फेस कर लेता है एंड अपने सामने बहुत ही लाइक सिंपल वे के अंदर पूरा रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है है। तो आपको ये प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आपके इतने एक्सपेंस हो गए, इतनी प्रोडक्ट आपको रिटर्न आ गई थे, तो सारा आपने एड्स पर इतना रिलैक्स स्पेंड किया था, तो सारा हमको यहां पे रिपोर्ट दिखाता है। जैसे कि मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहां पे मतलब क्या है पूरा मंथ का रिपोर्ट मतलब डेली का रिपोर्ट हो गया, जैसे कि यहां पे पूरा ग्राहक देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमको देखने से पता चलता है भाई किसका रिपोर्ट है, P&L रिपोर्ट है, शिपिंग चार्ज हमको इतना लग गया, अमेजोन का फीस इतना लग गया, रिफंड इतने आ गए, प्रोमो कोड हमने इतने लगाए थे, एस्टीमेट अपना लग इतना पे आउट बना था, अमेजोन पे लग जो CO से GC होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स हमने यहाँ पे ऐड किया होता, पर ये जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ इतने रुपीज़ की मुझे लग इतने रुपीज़ का मेरा परचेस है, तो यहाँ पे एक्यूरेट पूरा डेटा कलेक्ट करके हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है कि एग्जैक्टली आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने सारे एक्सपेंस हो गए लग इतना आपका सेल्स हो गया, इतने रिफंड्स आ गए, इतना आपका एक्सपेंस हो गया, उसके बाद आपको एग्जैक्टली इतना प्रॉफिट बच रहा। यहाँ पे अपने को बहुत ही हेल्प करता है पूरा लाइक डेटा एनालिसिस करने में, ये तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया। इसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पे पूरा प्रोडक्ट का लाइक स्टेटिस्टिक आता है, तो ये प्रोडक्ट आपकी कितनी सेल्स हो रही है, इसके कितने पेज व्यू आ रहे हैं, इसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, कितने रिफंड आ रहे हैं, तो पूरा प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हो। तो वहाँ से हमको आइडिया लग सकता है भाई कौन सी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं चल रही है, तो बहुत ही डिटेल के अंदर हमको पूरा एनालिटिक्स वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉफिट का। उसके बाद यहाँ पे उसका और एक फंक्शन आता है प्रॉफिट के अंदर ही आता है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इन्वेंटरी लेवल हो गया, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, रिफंड हो गया, तो यहाँ पे भी हमको बहुत ही सारे और भी मिलते हैं, कितनी इन्वेंटरी आपकी पड़ी है, एवरेज आपकी कितनी सेल्स हो रहे हैं, मतलब जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है हमको वो तो पता चलता है डेली के अपने लग 100, 200, 300 ऑर्डर आ रहे हैं, पर कौन सी प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर आ रहे हैं तो अमेजन के हमें क्या फिल्टर लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या हीलियम 10 को डायरेक्टली दिखा देगा भाई आपका एवरेज लिए प्रोडक्ट उसका डेली के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, डेली के 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली के 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमको पता चलता है भाई कौन सी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करिए, राइट। बहुत ही सारे एनालिटिक्स हमको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हीलियम 10 की बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो हो गया यहाँ पे एक हो गया लाइक फॉलोअप हो गया, अपने जो ऑटोमेटिक मेल कर सकते हैं यहाँ से, लाइक अमेजोन के अंदर क्या सिस्टम आता है लाइक अपने रिव्यू के बोल सकते हैं इसको कस्टमर को भी हमको रिव्यू कर सकते हो, बट वहाँ पे क्या मैन्युअली करना पड़ता है, अगर अमेजोन से हम करेंगे तो मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ पे क्या एक बार हमने सेटअप कर दिया लाइक सेट कर दिया कि भाई कोई भी पर्सन को अपनी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए उसके 5 डेज के बाद उसको रिव्यू के लिए मेल भेजना है, तो हीलियम 10 का जो सिस्टम होता है ऑटोमेटिक उसको मेल भेजता रहता है एंड वहाँ से अपना पूरा डेटा दिखाता है कि आज के दिन इतने डिलीवरीज हुई है, आज के दिन इतने मेल हमको हमने डिलीवर किया है, तो पूरा ही वहाँ पे हमको लाइक कन्वर्जन रेट पूरा दिखाता है, बहुत ही सारे एनालिटिक्स वहाँ पे हमको दिखाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो है एटॉमिक, मतलब ये अपना जो PPC एड रन करवाते हैं उसका बहुत ही लाइक इसका हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। प्रैक्टिकली बताओ तो मैंने इसका यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जो हमको फंक्शन मिलता है वो हमको मिलता है डायमंड प्लान के अंदर मिलता है। अभी मेरे पास जो है वो प्लेटिनियम प्लान है, मैं काफी टाइम से हीलियम 10 को यूज कर रहा हूँ, प्लेटिनियम प्लान को मैं यूज कर रहा हूँ, $99 पर मंथ पे कर रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है ये वर्थ है, क्योंकि हमको बहुत ही सारा मतलब जो अपना जो फालतू का अपना जो एक्सपेंस होने वाला होता है वो यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एड्स पे क्या मतलब पहले से हमको पता चल जाए कि
ये प्रोडक्ट में मतलब एक कीवर्ड काम आ सकता है, तो बहुत ही सारे मतलब यहाँ पे हमको इनसाइट बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पहले से पता चल जाती है, पहले से मिल जाती है कोई प्रोडक्ट के अंदर लाइक बिजनेस करना चाहिए, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए तो ये प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहिए। उसी डिसीजन में हमको बहुत ही सारे हमारे लग क्या होता है काम कम हो जाता है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बहुत ही सारी मेहनत करें फिर पता चले कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं चल रहा, उससे पहले से हमको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं चलने वाला है, तो बहुत ही लग अपनी हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो मैं आप सबको अगर रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर किसी को यूज़ करना है तो हीलियम 10 मतलब कोई फ्रॉड मतलब फेक सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि हम इंडियन बंदे हैं तो हमको क्या डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, 20% आपको ऑफ मिल सकता है 6 मंथ के लिए अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे, एंड एवरी मंथ आपको 10% ऑफ मिल सकता है अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करोगे। तो दोनों प्रोमो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिए हैं। इसके अलावा हीलियम 10 को मतलब प्रैक्टिकली बताओ तो बहुत ही सारे इसके यूज़ केसेस है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था हीलियम 10 के बारे में। लोग तो क्या उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे मतलब अच्छा है बुरा है महंगा है जो भी है, बट आप अपने यूज़ के हिसाब से देखो। मैं तो बता रहा हूँ मुझे तो प्रैक्टिकली हेल्प कर रहा है, मुझे तो काफ़ी सारी इससे हेल्प मिल रही है, तो मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी हेल्प मिले तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। एंड 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस का पूरा वीडियो सीरीज देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।